हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लॉ एंट्रेंस चैनल ऑफ अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से आप लोगों के पास एग्जैक्ट 4 मंथ बाकी हैं आप लोगों के एग्जाम में, दैट इज क्लैट 2025, जो कि 1 दिसंबर 2024 को होने वाला है। इन 4 मंथ में हम क्या प्रिपरेशन करें? क्या ये पॉसिबल है कि 4 मंथ के प्रिपरेशन में हम क्लैट को क्रैक कर सकते हैं? ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में हैं, फॉर्म भरे नहीं भरे, फॉर्म बहुत महंगा है अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में हैं। तो यहाँ पे मैं एडवोकेट निकिता सिंह आप लोग के सामने एक इम्पॉर्टेंट सेशन यहाँ पे लेके आई हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ पे लास्ट तक बने रहते हैं, इट मे बी पॉसिबल कि आप लोगों का मन बदल जाए और आप लोग भी क्लैट का फॉर्म फिल करके अपना एग्जाम की तैयारी करें। सो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले सेशन को जितना हो सके शेयर करिए, सेशन को लाइक करिए और देखिए 4 मंथ मास्टर प्लान टू क्रैक क्लैट 2025। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक एक्शनेबल स्टडी प्लान। होता क्या है, सब कोई स्टडी प्लान बना लेता है बट उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। जैसे हम लोगों का क्रिमिनल लॉ दिसंबर में बन गया था बट एग्जीक्यूट हुआ जुलाई 1 2024 को। इसी तरह हम स्टडी प्लान बना लेते हैं, अक्टूबर से इंप्लीमेंट करेंगे, नवंबर से करेंगे, ऐसे करते करते एग्जाम डेट आ जाता है, इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाते हैं हम लोग। इसीलिए जो स्टडी प्लान आज से बना रहे हैं, जस्ट मेक इट एक्शनेबल। एक्शनेबल मीन्स यू हैव टू फॉलो दैट स्टडी प्लान। इफ यू आर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, यू हैव टू मेक अ डिफरेंट स्टडी प्लान, एंड इफ यू आर अ पास आउट स्टूडेंट, यू हैव टू मेक अ डिफरेंट स्टडी प्लान। सो फॉलो इट सिंसियरली। स्कूल जाना भी इम्पॉर्टेंट है भाई, वहाँ भी 7 से 8 घंटे आपके स्कूल में जा रहे हैं, तो यहाँ पे घर में आके आप लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी तैयारी जरूर करिए। एटलीस्ट 3 से 4 घंटा जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए मैं प्रेफर करूंगी, 3 से 4 घंटा आप लोग फोकस करिए यहाँ पे। ओके, सो मेक एक्शनेबल स्टडी प्लान एंड फॉलो इट सिंसियरली। द नेक्स्ट वन इज रिवाइज द टॉपिक्स। अब नया चीज मत पढ़िए, बिकॉज आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सिर्फ 4 मंथ बाकी हैं। तो जो टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ा दिया गया है उस टॉपिक को आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए। तो रिवीजन में मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको रिवाइज करिए, इंग्लिश के वोकैब्स को रिवाइज करिए, करंट अफेयर को रिवाइज करिए, बिकॉज करंट अफेयर आप लोगों का 1 साल का आता है, और लीगल के जो टॉपिक्स आपको टीचर ने पढ़ा दिया है उस टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, बिकॉज रिविजन, इफ यू पीपल विल डू रिविजन, सो रिविजन विल मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर। तो जितनी बार रिवाइज करेंगे क्या पता उतनी बार आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट भी समझ में आने लगेगा, इसीलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। बिकॉज क्लास में पढ़ते वक्त हमें लगता है कि हमें सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब रिवाइज नहीं करते ना तो हम लोग दोबारा से 0 लेवल पे आ जाते हैं। सो इसीलिए रिविजन इज मस्ट रिक्वायर। द नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर पेपर। जितना हो सके आप लोग, अभी तक सिर्फ 2020 से आप लोगों का पेपर शुरू हुआ है, 2021, 2022, 2023, अभी तक सिर्फ आप लोगों का 5 पेपर हो चुका है, तो 5ों पेपर को आप लोग एनालाइज करिए, क्योंकि जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के क्लैट में आते हैं ना उसको पढ़ने में ही टाइम लग जाता है। तो जब आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है तो एटलीस्ट आप लोगों को आइडिया लग जाना चाहिए कि हमें टाइम मैनेजमेंट हमें कैसे करना चाहिए, बिकॉज आप में से काफ़ी हैं, आता सब कुछ है लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाते जिससे हमारा पेपर छूट जाता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर से आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि पैराग्राफ का लेवल क्या है और हर साल आप लोग का किस लेवल का पैराग्राफ आ रहा है। आप लोगों को यहाँ पे जो पेड क्लास है वहाँ पे हर चीज़ आपको पढ़ाया भी जाता है, सो इसीलिए फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर फर्स्ट। आफ्टर दैट यू हैव टू डू द मॉक पेपर। भाई आज 1 अगस्त है, शुरू हो जाइए, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवम्बर 30 मॉक पेपर, 30 मॉक पेपर, 30 मॉक पेपर, 30 मॉक पेपर, तो टोटल आप लोगों के 120 मॉक पेपर हो जाएंगे। तो 120 का मतलब आप लोग समझते हैं क्या है? 120 का मतलब है कि आप लोगों के अंदर एक परफेक्शन आ जाएगा, जब एग्जाम में बैठोगे तो लगेगा कि अरे यार ये तो मैं मॉक पेपर कर रहा हूँ। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू डू द मॉक पेपर एज मच एज पॉसिबल। अगर इतना भी पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 1 मॉक पेपर 1 दिन में दीजिए और उसका एनालिसिस आपको जरूर करना है। सो मॉक पेपर स्किप मत करिएगा,
आज से शुरू कर दीजिए, भले ही आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बट स्टिल यू हैव टू डू दी मॉक पेपर। सो मॉक पेपर ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, बिकॉज क्लैट का पेपर आप लोगों का ऑफलाइन आता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव। देखिए 4 महीने हैं, बीमार नहीं पड़ना है, मौसम खराब हो रहा है, सो इसीलिए अच्छा खाना खाइए, घर का खाना खाइए, स्टे हेल्दी, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए और ऑलवेज बी पॉजिटिव, ओके। सो यहाँ पे ये चैनल में सारे टीचर्स आप लोग के साथ हैं, आप लोगों के क्लैट का नेक्स्ट लेवल भी बताने के लिए कि क्लैट के अलावा भी आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, फॉलो दिस 5 स्टेप टू क्रैक योर क्लैट एग्जाम इन अ सिंगल एंड अ फर्स्ट अटेम्प्ट। सो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, हम लोगों का जो बैच है वो भी कल से, आज से शुरू हो रहा है, दैट इज 1 अगस्त। तो जिसको भी इसमें एनरोल करना है, आप लोग फटाफट एनरोल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द कूपन कोड Y391P फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं, आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 चैनल को ओपन करिए, ठीक है। अड्डा 24/7 को ओपन करिए यहाँ पे, ओके। क्लिक ऑन ऑल कोर्सेस, यूजी पीजी, लॉ एंट्रेंस, और ये क्लैट पे क्लिक करिए। क्लैट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, मंजिल बैच है आप लोगों का जो कि 1 अगस्त आप लोगों का गिवन है, और यहाँ पे स्टडी प्लान आप लोगों का ये गिवन है। स्टडी प्लान पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं क्वांट की क्लासेस आप लोग की 2 अगस्त से शुरू है, द टाइमिंग इज 1 to 2 PM, ओके। देन क्रिटिकल रीजनिंग का क्लास आप लोगों का 2 अगस्त से शुरू है, द टाइमिंग विल बी 6 to 7 PM, और ये आप लोगों का अल्टरनेट डेज चलेगा। देन GK एंड CA करंट अफेयर आप लोग का अल्टरनेट डेज चलता है, 5 से 6 बजे का आप लोग का टाइमिंग है। देन लीगल का टाइमिंग आप लोगों का 7 से 8 बजे का है, ओके। और इंग्लिश का स्टडी प्लान आप देख सकते हैं आप लोग का 4 से 5 बजे का है, 1 अगस्त से आप लोगों का शुरू है, और ये आपका टाइम टेबल है। सो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। कूपन कोड आपको सिर्फ यूज करना है Y391P फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आप देख सकते हैं आप लोगों का जो डिस्काउंट है, बाय नाउ पे क्लिक करिए, Y391P अप्लाई पे क्लिक करिए, 80% का डिस्काउंट चल रहा है, तो देरी मत करिए और इस बैच में एनरोल हो जाइए। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।